हेलो दोस्तों, कैसा हो सब? आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों तो हम लोग जब किसी को मैसेज करते हैं तो इन मैसेज को और भी कैसे आप इंटरेस्टिंग बने, उन मैसेज को और उन टेक्स्ट को आप कैसे और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कैसे उन टेक्स्ट को आप एनिमेशन करके, एनिमेटेड करके, वीडियो में कन्वर्ट करके और GIF में कन्वर्ट करके आप किसी को सेंड करके सरप्राइज दे सकते हैं, और किसी खास ऐसे पर्सन को कुछ ऐसे मैसेज बना के आप भेज सकते हैं जो मैसेज से उन लोग खुश हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसे कुछ 3 ऐप्स के बारे में आप लोगों को बताऊँगा, जिन 3 ऐप्स के जरिए आप किसी को जो मैसेज करते हो उन मैसेज को एनिमेटेड कर सकते हो, GIF में कन्वर्ट कर सकते हो और वीडियो में कन्वर्ट करके उन मैसेज को आप और भी इंटरेस्टिंग तरीके से और भी कलरफुल तरीके से आप किसी को भेज सकते हो। ऐसे में वो लोग भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं उन 3 ऐप्स के जरिए आप कैसे कैसे मैसेज को एनिमेट में कन्वर्ट करके किसी को सेंड करके सरप्राइज दे सकते हो, किसी को खुश कर सकते हो। तो दोस्तों, मोबाइल में आपको आने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आप और यहाँ पर लिखिए एनिमेटेड टेक्स्ट। एनिमेटेड टेक्स्ट आपको जो आएगा पहले वाला, ये आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपका सामने आएगा। फिर आपको यहाँ से जो पहला वाला एक ऑप्शन आता है प्ले वाला, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख, जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो, जो मैसेज आप अपना फ्रेंड को आप सेंड करना चाहते हो, वो यहाँ पर आप इसको पूरा हटा दीजिए। हटा के अपना जो टेक्स्ट है या मैसेज है वह यहाँ पर आप लिखिए। मैं लिखता हूँ, ठीक है। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यह जो राइट वाला सिंबल, इसमें आपको क्लिक कर देना है। ठीक है ना, क्लिक करने के बाद आप इसको ऐसे प्ले कर सकते हो, प्ले करके देख सकते हो ये टेक्स्ट कैसा आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो नीचे आप वो फॉन्ट देख रहे हो, इस फॉन्ट से आप जो एनिमेटेड का जो स्टाइल है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ऐसे आएगा। ठीक है ना, आप इस पर क्लिक करो तो ऐसा आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप तरह तरह के आपको एनिमेशन मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो दोस्तों है वो है कलर, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, कौन सी टेक्स्ट के साथ कौन सा कलर आपका अच्छा जाएगा, ऐसे ऐसे में इसके इसको आप सिलेक्ट करके आपका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट को एनिमेट कर सकते हो और आपका जो मैसेज है वो पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर ट्राई कीजिए, बहुत सारा एनिमेटेड टेक्स्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारा कलर आप में इसमें आपको मिल जाएगा। ख़त्म होने के बाद आप क्या करना, आपका यह जो ऑप्शन है ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन आपको मिलेगा, आप ये इसको कैसे सेव करना चाहते हो, एज ए वीडियो सेव करना चाहते हो, एज ए GIF फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो, या जो सेव है GIF फॉर्मेट में आप सेव करते हो। यहाँ पर देखिए, जो फॉर्मेट है वो 1080 पिक्सल में आपको आएगा, अच्छा खासा पिक्सल में आपको ये वीडियो मिल जाएगा GIF में। तो ये कन्वर्ट हो रहा है GIF में। तो दोस्तों ये हो चुका है, अब इस पर अब मैं यहाँ पर क्लोज कर दूँगा। यहाँ पर क्लोज करने के बाद कहा जाएगा जो हमारा जो गैलरी ऑप्शन है ये गैलरी में चला जाएगा। आप गैलरी में देखिए, मैं गैलरी में क्लिक करता हूँ। ठीक है, एनिमेटेड करके आप इसमें एक फोल्डर आपको मिल जाएगा, इसमें क्लिक करने के बाद आपका जो एनिमेटेड फॉन्ट है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये जो फाइल है इस फाइल को आप यहाँ से शेयर करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, ये व्हाट्सअप है, सेंड कर सकते हो, शेयर में आप कर सकते हो, ऐसे इंटरेस्टिंग फॉन्ट बना के आप अपने फ्रेंड को आप सरप्राइज दे सकते हो। नेक्स्ट जो दोस्तों ऐप्स है वो है टेक्स्ट एनिमेशन। यहाँ पर आपको लिखना है टेक्स्ट एनिमेशन। ठीक है ना, टेक्स्ट एनिमेशन मेकर आ जाएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करके लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन कीजिए।
ओपन करने के बाद पहले वाला जो ऐप्स था वो सिमिलर ही है। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो क्रिएट वाला ऑप्शन है इसमें आपको क्रिएट करके क्लिक क्रिएट में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दो तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पहले वाला ऑप्शन में मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसमें आपको रेशियो दिखा रहा है कि कौन से रेशियो में आप काम करेंगे। मैं ये रेशियो में आप क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, आप कीजिए यहाँ पर जो एंटर टेक्स्ट है यहाँ पर आप अपना जो मैसेज है यहाँ पर आप लिखिएगा। मैं लिखता हूँ लिखने के बाद यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों देखिएगा जो फॉन्ट का साइज़ है यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हो फॉन्ट को। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट का छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ से जो टाइम है, ठीक है ना, कितना टाइम में ये एनिमेशन आएगा या टाइम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। कलर को भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है ना, ब्राइटनेस में भी यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। इस यहाँ पर आपको बहुत सारा स्किन कलर भी मिल जाएगा, बहुत सारा कलर आपको इसे मिल जाएगा। आप इसमें फॉन्ट का जो स्टाइल है फॉन्ट का जो एनिमेशन है वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। क्लिक के बाद आप चेंज कर सकते हो, कलर दे सकते हो अब यहाँ से। ऐसे पूरा आपका टेक्स्ट जब ख़त्म हो जाए लिखना पूरा हो जाए तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। GIF और MP4 कौन से क्वालिटी में आप डाउनलोड करोगे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यह डाउनलोड हो रहा है, अभी प्रीव्यू करके देखता हूँ ये कैसा दिखेगा। ठीक है ना, आपको ये सेंड करने के बाद आपको मैसेज कुछ ऐसा दिखेगा। तो दोस्तों ये भी एक ऐप है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो दोस्तों एप्लीकेशन है वो है हाइपटेक्स। यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर लिखना है आपको HYPE हाइपटेक्स आपको लिखना है। लिखने के बाद यहाँ को यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फिर आप वही दूसरा जो ऐप्स है इसकी तरह आप ये काम करेगा। इस पर आप जो टेक्स्ट ओनली एल्बम कैमरा, इस पर आप एल्बम में जो आपका किसी का फ़ोटो है फ़ोटो को भी आप यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं एक पिक्चर में अब इसको ले रहा हूँ अभी, जैसे कि ये वाला पिक्चर मैंने ले ली। लेने के बाद डबल टैप करना पड़ेगा यहाँ पर। आप डबल टैप करने के बाद आप ये जो टेक्स्ट है इसको आपको हटा देना है। हटा देने के बाद आप जो भी लिखे इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, लिखने के बाद आप यहाँ पर जो ये वाला सिंबल है इसको आपको क्लिक करके देना है। अब टेक्स्ट लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप बहुत सारा फॉन्ट स्टाइल है, बहुत सारा एनिमेशन है, सबके एनिमेशन आएगा वो आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारे एनिमेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे एनिमेशन आपको इसमें मिल जाएगा। अब यहाँ से बहुत सारे एनिमेशन आप देख रहे हो, यहाँ से बहुत सारे एनिमेशन आप इसको यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है ना, और दोस्तों फॉन्ट की बात करें तो आप इसमें फॉन्ट भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट आपको इसमें मिल जाएगा। कौन से फॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हो यहाँ से फॉन्ट आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों आपको कलर के बारे में बात करें तो फॉन्ट का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कौन सी कलर में फॉन्ट ये आएगा। ये जो टेक्स्ट है इसको आप मूव भी कर सकते हो, कहीं पर भी आप इसको मूव कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको यह टेक्स्ट लगाना है वहाँ पर आप इसको मूव करके रख सकते हो। यहाँ पर आप ऑडियो भी लगा सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर आप जो स्टाइल है वो स्टाइल भी आपको चेंज कर सकते हो। आपका जो बैकग्राउंड का इमेज का स्टाइल है वो भी इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बहुत सारा स्टाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप ट्राई करना, बहुत सारा आपको ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। करने के बाद यहाँ पर जो राइट सिंबल है यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। राइट सिंबल क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। सेव होने के बाद वो जो फाइल है वो फाइल आपको व्हाट्सअप में, फेसबुक में, जहाँ पर भी हो फ्रेंड के साथ शेयर आप कर सकते हो। तो ये अभी सेव हो चुका है। इसको मैं जो हम लोग का गैलरी है गैलरी में जाकर चेक करते हैं। गैलरी में जाने के बाद हाइपटेक्स्ट करके आपको एक अलग फोल्डर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो वीडियो आया है इस वीडियो को आप चला के आप यहाँ से देख सकते हो। आप प्ले कर दीजिए। प्ले करने के बाद आपका जो फाइल है यहाँ से प्ले हो जाएगा। ठीक है ना,
आप ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एनिमेटेड टेक्स्ट बना के आपके फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और एक बार दोस्तों जो लोग हमारे चैनल को नए देख रहे हैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको घंटा वाला बटन भी दबा देना है। दबा देने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, ये तीन ऑप्शन में से सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ऑल नोटिफिकेशन, इसमें आपको दबा देना है। इससे आपको क्या होगा, हम लोग जब नया नया वीडियो अपलोड करते हैं इसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, तो आज के लिए चलते हैं, बाय, वंदे मातरम।